अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज मोहम्मद शेब एंड वेलकम टू माय चैनल रमीज़ एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वैलेंसी, वो स्टडी करेंगे। वैलेंसी बहुत ही बेसिक टॉपिक है ये, क्योंकि आगे आने वाली क्लासेस में या आगे आने वाले रिएक्शंस के अंदर जगह जगह पे ये वैलेंसी का वर्ड हम यूज करेंगे कि इसकी ये वैलेंसी है, इस एलिमेंट की ये वैलेंसी है। तो वैलेंसी को समझना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो के बाद वैलेंसी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, बशर्त ये कि आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है और समझने की कोशिश करनी है। एक पेपर पेंसिल ले लें और उस पर जो है वो जॉट डाउन कर लिया करें ताकि आप लोगों को जो है वो चीजें याद रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैलेंसी क्या होती है? द कम्बाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम विद अदर्स टू फॉर्म कंपाउंड और मॉलिक्यूल। क्या मतलब? किसी भी एटम की किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन होने की जो कैपेसिटी है, कंबाइन होने की जो कैपेसिटी है वो कहलाती है वैलेंसी। और जब कोई एटम किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन हो जाता है तो वो क्या करता है? वो बनाता है कंपाउंड और मॉलिक्यूल। इस चीज को हम एक एग्जांपल से इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम टी बनाते हैं, टी, ठीक है, तो टी में जो है वो शुगर यूज होती है, ठीक है, वाटर यूज होता है बेसिक, और मिल्क यूज होता है, और पत्ती यूज होती है आपकी, ठीक है, मिक्सचर। तो ये सारी की सारी चीजें एक खास क्वांटिटी में डलती हैं। ऐसा नहीं होता कि हम मिक्सचर को जो है वो बहुत ज्यादा यूज कर लें, बहुत ज्यादा ग्रेटर अमाउंट में, ठीक है, जबकि शुगर को जो है हम बहुत ही लेस अमाउंट में यूज कर लें, वाटर बिल्कुल लेस अमाउंट में यूज कर लें, और मिल्क बहुत ज्यादा अमाउंट में यूज कर लें। तो क्या होगा? कोई एक नई चीज बन जाएगी, टी नहीं बनेगी। तो होता क्या है कि हम कोई भी चीज जब बना रहे होते हैं तो हर चीज का जो कॉन्स्टेंट होता है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है, कि हमें इतनी इतनी अमाउंट में डालना है कि ताकि चीज हमें बेहतर मिले। इसी तरीके से अगर हमें कंपाउंड या मॉलिक्यूल कोई बनाना है तो हमें एटम्स को उसके हिसाब से जो है वो कंबाइन करना पड़ता है कि कितने एटम में डालूंगा, कौन से एटम के साथ रिएक्ट करवाऊंगा, मिलाऊंगा, तो कौन सा कंपाउंड या कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो बनेगा, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल हम इस तरीके से लेते हैं कि ये जो एटम होता है ना, ये आपको पता है वैलेंसी जो होती है डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। और एटम को मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि एटम क्या होता है, और एटम की हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी थोड़ी सी समझी थी। मैं यहाँ पर दोबारा बता देता हूँ कि जो एटम होता है वो न्यूक्लियस पे कंटेन करता है, और उसके अराउंड जो है वो शेल्स होते हैं जिनको हम ऑर्बिट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये शेल्स जो होते हैं इनके नेम्स होते हैं, याद है, इसके नेम्स होते हैं के, एल, एम, एन एंड सो ऑन, ठीक है। और इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की जो जगह होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की जो क्वांटिटी होती है कि एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो के शेल के अंदर 2 रह सकते हैं, एल में 8 रह सकते हैं, एम में 18, एन में 32, और आगे जैसे जैसे होता रहता है वो हम निकाल लेते हैं। फॉर्मूला होता है इसका एक, वो फॉर्मूला कौन सा होता है? 2n2। कौन सा फॉर्मूला होता है? 2n2, ठीक है, वेयर n इज द नंबर ऑफ शेल। अगर पहला शेल होगा, के शेल होगा, तो हम यहाँ 1 लिख देंगे, एल शेल होगा तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे, एम शेल होगा तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एम में 18 आते हैं ना, तो अगर मैं 2, एम की जगह ये थर्ड शेल है ना, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 × 2 = 18, तो देखें 18 आ गया, ठीक है। तो ये आ गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर्टिकुलर ऑर्बिट्स और शेल, ठीक है। अब मैं बताना ये चाह रहा था यहाँ पर कि पहला जो शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, मतलब एक रूम है उसके अंदर जो है वो 2 चीजें आती हैं, बेड और अलमारी आती है, ठीक है, इसके अलावा उसमें स्पेस ही नहीं है, तो हम उसके अंदर कोई और चीज रख ही नहीं सकते। इसी तरीके से जो के शेल है ना, उसके अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसके अलावा उसके अंदर स्पेस नहीं है, वो अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो किस में चला जाएगा? एल में चला जाएगा, ठीक है। अब एल के अंदर जो कैपेसिटी है वो कितनी है? 8 इलेक्ट्रॉन की। इसके अलावा फिर एम में जाते हैं तो एम में कितनी है? 18 इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये कैपेसिटी है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक ऑक्टेट रूल होता है, हम आगे जाके स्टडी करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर में,
जो एम से ऑनवर्ड जितने भी एलिमेंट है ना, सॉरी शेल्स है ना, उनके अंदर होने तो इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 18, 32 एंड सो ऑन, लेकिन अगर इनके पास मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स भी है ना, मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तब भी ये स्टेबल होंगे. क्या होंगे? तब भी ये स्टेबल होंगे. मतलब ओके, जरूरी नहीं है कि इनके पास, देखें होगा यही कि दो इसके पास आ गए, 8 इसके पास आ गए, उसके बाद 8 इसके पास जब आ जाएंगे तो नवा जो इलेक्ट्रॉन होगा इस शेल का, नहीं मैं ये नहीं कह रहा कि वो एन में चला जाएगा, वो जाएगा इसमें ही, लेकिन मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए एम ऑर्बिट को, क्यों, इस एटम को स्टेबल करने के लिए. ठीक है, समझ आ गई. तो ये होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब वैलेंसी इसके अकॉर्डिंगली क्या होती है कि मैं कह रहा हूं कि पहले शेल को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, पहले शेल को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आप को फिल करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए. लेकिन कोई एलिमेंट है, जैसे कि हम जानते हैं कौन सा एलिमेंट है हमारे पास, हाइड्रोजन. कौन सा एलिमेंट है? हाइड्रोजन. आपको पता है हाइड्रोजन के पास सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है. कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास होता है. ठीक है, तो अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाऊं तो ये इसका न्यूक्लियस हो गया और ये इसका पहला शेल हो गया जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है. ये न्यूक्लियस है. ठीक है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, अब मैं बता रहा हूं कि किसी भी शेल को स्टेबल होने के लिए, किसी भी शेल को नहीं, एटम को स्टेबल होने के लिए शेल के अकॉर्डिंगली बात करते हैं. इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक ही शेल होगा. तो एक शेल को, इसको स्टेबल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है. कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन की. तो इसके पास है एक इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा? ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा. क्या करेगा? लेगा. तो मैंने बताया था ना, एटम किसी और के साथ मिलने की जो कैपेसिटी होती है, तो इसकी कैपेसिटी क्या है? हाइड्रोजन की कैपेसिटी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है कि वो किसी दूसरे एटम के साथ या किसी दूसरे एटम को एक इलेक्ट्रॉन दे दे या एक इलेक्ट्रॉन उससे ले ले. देगा तो इसके पास 0 शेल हो जाएंगे, वो भी सही है, स्टेबल हो जाएगा. और अगर किसी को, किसी से ले लेगा तब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये वाली इसकी जो प्रॉपर्टी है वो पूरी हो जाएगी, तो जब भी ये स्टेबल हो जाएगा. तो ये इसकी वैलेंसी है. क्या? कि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन या तो दे दे, अगर देगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, कोई भी, देखें इलेक्ट्रॉन का तो नेगेटिव चार्ज होता है, तो जब ये चला जाएगा तो पॉजिटिव रह जाएगा. तो या तो ये एक इलेक्ट्रॉन दे दे या ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, तो ये इसकी क्या हो जाएगी? वैलेंसी. तो हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो +1 भी होती है और -1 भी होती है. +1 इनकेस जब वो इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, दे दे, रिमूव कर दे, और -1 इस केस में होगा कि जब वो किसी से इलेक्ट्रॉन गेन कर ले. तो ये इसकी वैलेंसी है हाइड्रोजन की, कि अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए किसी दूसरे के साथ वो क्या कैपेसिटी उसके अंदर रखता है ताकि वो कोई फॉर्म, कंपाउंड या मॉलिक्यूल बना ले, वो कहलाती है उस एटम की वैलेंसी. वैलेंसी हम हमेशा एटम्स के बारे में बात करेंगे, ये जरा मिटा रहा हूं मैं. तो हम हमेशा एटम्स के बारे में बात करेंगे वैलेंसी के केस में. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक और एलिमेंट है जिसका नाम है हीलियम. ठीक है, आपको पता है कि हीलियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है या जो इसका एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है? 2 होता है. क्या होता है? 2 होता है. इसका मतलब इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है. इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ये रहा, एक ये रहा, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए. तो इसका मतलब क्या है? इसके के शेल की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिसकी रिक्वायरमेंट होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स, वो फुलफिल्ड है. क्या है? फुलफिल्ड है, मतलब ये ऑलरेडी स्टेबल है. क्या है? ऑलरेडी स्टेबल. तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई? इसकी वैलेंसी हो गई 0. क्या हो गई? 0. तो बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी वैलेंसी 0 होती है, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी वैलेंसी प्लस में भी होती है, माइनस में भी होती है, और मुख्तलिफ होती है. तो कुछ मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी कुछ एलिमेंट्स आपको बताता हूँ जिसकी वैलेंसी आपने खुद से निकालनी है. ठीक है, एक दो मैं समझा देता हूँ, उसके बाद फिर आपने खुद से जो है वो बताना है कि किसकी क्या होती है. ठीक है, एक होता है हमारे पास लिथियम. मैं अगर पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंगली बात करूँ लाइन से, तो एक होता है लिथियम. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, जरा इसको देख लें. तो लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 3.
क्या होता है 3। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये न्यूक्लियस आ गया, ये पहला शेल, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब दो में, तीन में से दो निकल गए, एक रह गया ना, तो एक इसका किस शेल में आ जाएगा, एल शेल में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, एल शेल में। मिसाल के तौर पर ये रहा, तो ये इसका के शेल है, ठीक है, और ये इसका एल शेल है। आपको याद है कि के शेल में मैंने बोला था 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। अब देखें, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसको अपना एल शेल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, 7 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है इसको। कितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है, 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जबकि ये दूसरी कंडीशन में भी स्टेबल हो सकता है, वो कौन सी कंडीशन है कि अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। भाई देखें, कोई भी चीज किसी से, अब देखें अगर इसको स्टेबल होना है, मिसाल के तौर पे मुझे अगर मैं नॉर्मल हम एग्जांपल लेते हैं, तो अगर मुझे स्टेबल होना है तो दिन में इंसान कितने ग्लास वाटर पी सकता है, मिसाल के तौर पे 8 ग्लास पी सकता है अगर, तो अभी मैं इस टाइम पे जो है वो 8 ग्लास पानी पी लूं तो ये मेरा पूरा दिन निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी मुझे रिक्वायरमेंट एक ही ग्लास की है कि मैं एक ग्लास पी लेता हूं तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा, तो मैं एक ही ग्लास पीऊंगा ना, मैं 8 के 8 ग्लास क्यों पीऊंगा अभी। तो इसी तरीके से जब लिथियम स्टेबल आसानी से एक इलेक्ट्रॉन दे के हो सकता है, तो वो 7 इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा, ये ज्यादा डिफिकल्ट होगा इसके लिए, क्योंकि इसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सके। तो इसीलिए ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा ताकि ये स्टेबल हो जाए। तो लिथियम की जो वैलेंसी हो जाएगी वो हो जाएगी +1। इसी तरीके से अगर हम आगे चलते हैं पीरियोडिक टेबल के हिसाब से, कि जिसका एटॉमिक नंबर 4 होता है तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो मतलब इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी, वो भी मुश्किल है। तो इसलिए इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2, कि वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, जैसे एलिमेंट जो होता है जिसका 4 इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है, वो बेरिलियम होता है। तो अगर ये दे देगा तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी +2, बोरॉन +3, इसी तरीके से क्या होता है, चलता रहता है। एक एलिमेंट है जिसका नाम है ऑक्सीजन, क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8, क्या होता है, 8। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो देखें, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 2, 8 में से 2 चलेगा, कितना रहेगा, 6, 2, 4 और 6, ठीक है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते थे, पहली कंडीशन फुलफिल्ड। दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2, 4, 6 हैं इसके पास, कितने हैं, 6। तो अब इसको स्टेबल होने के लिए, कितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है, 2, जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको रिक्वायर्ड है, ठीक है। और अगर दूसरी कंडीशन की बात करें तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स अगर दे देगा, रिमूव कर देगा या लूज कर देगा, ठीक है, तो ये तब भी स्टेबल हो जाएगा। अब दोनों में से कन्वीनियंट कंडीशन कौन सी है, पहली वाली, तो हम क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसको गेन करवाएंगे या ये गेन करेगा, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, -2। अब माइनस मैंने क्यों लगाया, क्योंकि ये किसी से ले रहा है ना, जब देता है इलेक्ट्रॉन, तो जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जब लेता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, -2। तो कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी मैं यहां पर लिख रहा हूं नेम्स, आपको क्या करना है, उनकी वैलेंसी निकालनी है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक नाइट्रोजन एलिमेंट होता है, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 7, ठीक है, इसके निकालनी है। सोडियम इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है। क्लोरीन 17, ठीक है, और कार्बन का होता है हमारे पास 6, ठीक है, और इसके अलावा बस, ठीक है। तो ये कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं ये जिनके आपने क्या निकालनी है, वैलेंसी निकालनी है। इलेक्ट्रॉनिक नंबर मैंने, एटॉमिक नंबर मैंने आपको बता दिया कि इनके पास इतने इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो क्या सीखा हमने कि जो वैलेंसी होती है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करती है कि कोई भी एटम जो है वो कितना गेन कर रहा है, कितना लूज कर रहा है या शेयर कर रहा है, वो फिर बॉन्ड की बात आ जाती है आगे, तो कितना एलिमेंट्स क्या कर रहा है, ठीक है। एक एलिमेंट है ये वाला कार्बन ना, इसकी आपको वैलेंसी समझने में थोड़ा सा
मसला होगा। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि कार्बन को आप लोग रहने दीजिएगा, बाकी ये तीनों के निकाल लीजिएगा। कार्बन जो है ना, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6। ठीक है, तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये न्यूक्लियस हो गया इसका पहला शेल, 2 इलेक्ट्रॉन, 6 में से 2 चले गए, 4 बच गए, तो 1, 2, 3 एंड 4, 4 रह गए। दूसरे शेल को कंप्लीट होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं। पहला कि ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, दे दे। दूसरा कि ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, ले ले। ठीक है, या तो ये गेन कर ले या ये लूज कर ले। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये स्टेबल। तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, प्लस 4 भी हो गई और माइनस 4 भी हो गई। ठीक है, लेकिन कुछ केसेस के अंदर इसकी वैलेंसी प्लस 2 भी होती है। क्या होती है, प्लस 2 भी होती है। वो कौन सा, कि कार्बन जो है वो शेयर करता है अपने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन का मैंने भी बताया था ना कि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 6। तो ये क्या करता है कि ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन रिटर्न में इसको क्या कर देता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता है। क्या कर देता है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता है। तो ये क्या हो जाता है, अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है। क्या पूरा कर लेते हैं, ऑक्टेट, कि इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाता है। मतलब एक बॉन्ड के ऊपर बात होती है, तो कार्बन की वैलेंसी प्लस 2 भी हो सकती है, इन केस अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो। ठीक है, तो बाकी का ये आपके पास होमवर्क है, आपको इनकी जो है वो वैलेंसी निकालनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आयन की बात करेंगे, जो कि आपकी बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन आयन भी इसी से कंसर्न होता है, तो हम उसको भी एक नजर देख लेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।